जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज 6:30 बजे आपको करंट अफेयर्स और GK हिंदी से संबंधित लाइव क्लास मिलती है, तो वो जरूर देखें। और 1 तारीख से आपको रात्रि 9 बजे से जो है हिंदी साहित्य की लाइव क्लास चलेगी, तो वो जरूर देखें। रोज रात्रि 12 बजे दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है, साथ ही PDF भी आपको मिलती है, तो आप जरूर प्राप्त करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना होता है, तो वो जरूर देखें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। दोस्तों, निम्न में से भारत के किस राज्य ने मांडू महोत्सव आरंभ किया है? जी हाँ दोस्तों, तो मांडू महोत्सव आरंभ किया है, किस राज्य ने किया है, आपको उत्तर बता है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न विकल्प नंबर 4, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल जो है महत्वपूर्ण राजधानी है मध्य प्रदेश की, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है। और मध्य प्रदेश के मांडू में मांडू महोत्सव जो है आरंभ किया जा रहा है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात आई है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। जैसे रोज की तरह आपको पता है कि जिस भी राज्य का नाम आता है उसके करंट अफेयर्स भी हम शामिल करते हैं वीडियो में, तो आज भी इसी प्रकार से हमारा वीडियो रहेगा कि भारत ने हाल ही में टैंक भेदी किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वो किया है दोस्तों स्पाइक। स्पाइक इसका सही हो जाएगा, जो कि मऊ से इसका जो है परीक्षण किया गया है, मध्य प्रदेश में परीक्षण किया है स्पाइक मिसाइल का, तो ये MP से संबंधित करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है सरकारी नौकरी में, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गाँव बना है, तो इसका सही उत्तर होगा बांचा गाँव। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का बांचा गाँव जो है भारत का पहला सौर रसाई गांव सौर रसोई वाला गांव बना है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया गया, तो वो बनाया गया खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है, छतरपुर जिले में है, तो ये चीज भी याद रखनी है। और पन्ना के लिए जो भारत में प्रसिद्ध है वो सॉरी हीरा के लिए जो प्रसिद्ध है वो पन्ना है, तो याद रख लेना पन्ना में मजगुआ जो है खान है जहाँ से हीरा निकाले जाते हैं, लेकिन पन्ना जो संग्रहालय बनाया गया है वो खजुराहो में बनाया गया है, और देश का पहला संग्रहालय है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फिलहाल जो है मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यपाल गणेश सी लाल ने किस राज्य में LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में हाल ही में LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है, तो याद रख लेना है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने हाल ही में उड़ीसा के बालांगीर में LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को 19 महीने के रिकॉर्ड समय में 103 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस प्लांट से राज्य के 14 जिलों के लोगों को फायदा होगा, है ना। अब उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। किसे दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है निरंजन बोहरा, जो कि उड़ीसा से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, US में पीपल्स चाइल्ड चॉइस अवार्ड किसने जीता है, तो इसका उत्तर होगा सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। और उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, तो याद रखना है। और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को इस साल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कृष्णमाचारी श्रीकांत, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। इन्हें जो है साल का CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्ष 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य कृष्णमाचारी श्रीकांत को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई।
उन्हें बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आई है बीसीसीआई की बात, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में, याद रखना है स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में, सेक्रेटरी जय साय हैं और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने आवाज़ की गति से 27 गुना तेज अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रूस, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। रूस ने हाल ही में जो है आवाज़ की 27 गुना तेज अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है सेना में शामिल किया है। यह मिसाइल आवाज़ की गति से औसत 20 गुना तेजी से उड़ सकती है। अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की तेजी की वजह से कोई भी सिस्टम इससे बचाव नहीं कर सकता। रूस की बात करें तो राजधानी यहाँ की मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूसी रूबल, याद रखना है, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है रूस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, किस पूर्व खिलाड़ी को वर्ष 2019 के पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंजुम चोपड़ा, यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है वो इसका सही हो जाएगा। अंजुम चोपड़ा को 2019 के पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखना है। भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी और कप्तान अंजुम चोपड़ा को वर्ष 2019 के पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा, तो याद रख लेना है अंजुम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के किस पूर्व कप्तान को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, क्लाइड लायड को जो है हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। याद रखना है वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइड लायड को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इस उपाधि से सम्मानित होने के बाद वे सर गैरी सोबर्स, सर एवर्टन बीक और सर बिब रिचर्ड्स के क्लब में शामिल हो जाएंगे, तो याद रखना है क्लाइड लायड को जो है हाल ही में नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में किस कंपनी ने डॉक्टर संतोष जी होन्नावर को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, AAO ने जो है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मान किया है, तो याद रखना है आपको AAO ने डॉक्टर संतोष जी होन्नावर को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। वह इस सम्मान के लिए चुने गए पहले भारतीय हैं। AAO एक नेत्र विज्ञान का सबसे बड़ा समूह है जिसमें दुनिया भर के नेत्र विशेषज्ञ जुड़े हैं, तो याद रख लेना है कि हाल ही में डॉक्टर संतोष जी होन्नावर जो कि पहले भारतीय हैं को लाइफ टाइम अचीवमेंट से AAO ने सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 में कितनी भाषाओं के कवियों ने हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो का सम्मेलन 2020 में 22 भाषाओं के कवियों ने सम्मेलन लिया हिस्सा लिया, जबकि जो है इसका जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का सम्मेलन किया गया और इसमें 22 भाषाओं के कवियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, याद रख लेना है आपको। और यह सम्मेलन 1956 से हर साल आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया है किसने, चीन ने, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। चीन ने अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया, जिसको CZ-5 के नाम से भी जाना जाता है। इस रॉकेट का मुख्य उद्देश्य CGN-20 उपग्रह को अपनी कक्षा में निर्धारित करना है। CGN-20 उपग्रह चीन का तकनीकी और रक्षा से संबंधित उपग्रह है, तो याद रख लेना है। चीन की बात आई है तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो याद रख लेना है। और यहाँ की जो मुद्रा है चीन की वो रनमिन भी है, और जो यहाँ की राजधानी है वो क्या है, बीजिंग, तो याद रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय रेलवे की स्थिति को और बेहतर करने के उद्देश्य से किसने भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर चार है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों हाल ही में
रेलवे की स्थिति को और बेहतर करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इसे मंजूरी के बाद रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कार्यात्मक तर्ज पर होगा और इसकी अध्यक्षता सीआरबी करेंगे। साथ ही भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा का नाम बदलकर भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा रखा जाएगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन रोकने के लिए जनवरी 2020 से वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। 2020 से वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, याद रख लेना है आपको। जिसके बाद जो है रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए रजिस्टर्ड नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और स्टेट बैंक ने जो है फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन रोकने के लिए जनवरी 2020 से वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इनमें से किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इस शब्द को शामिल करने का श्रेय जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। वहीं प्रभावशाली शब्द की रेस में दूसरा सबसे अहम वर्ड इको एंजाइटी है, ठीक है, इको एंजाइटी। तो याद रख लेना है क्लाइमेट इमरजेंसी को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और दूसरे वर्ड की बात करें तो इको एंजाइटी वर्ड है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और दोस्तों अब आपकी बारी है, आपको कमेंट में जो उत्तर लिखना है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, ठीक है। कुछ लोग विस्तृत रूप से लिखते हैं, अच्छा लगता है उनको, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उनके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप भी विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पिछले जो कमेंट किए हैं उन सभी के कमेंट देखेंगे, और उससे पहले आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और साथ ही फेसबुक पेज से आपको जुड़ना है IAS स्टडी ट्रैक, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों। तो देखते हैं पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण जो कमेंट हैं उनको। तो जो सबसे पहले महत्वपूर्ण कमेंट आया है, आशीष कुमार गुप्ता जी, वेरी गुड, और मौसम कुमारी जी, सभी लोग लाइव क्लास से जरूर जुड़े हैं हमें पता है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है चंदन विश्वकर्मा जी ने, इन्होंने भी बताया है सही, अटल टनल योजना शुरुआत की गई है, वेरी गुड चंदन जी, हमेशा कमेंट लिखते हैं, बहुत बढ़िया, विस्तृत रूप से लिखते हैं। और इस स्काई स्ट्रेंगल एजुकेशन इन्होंने भी लिखा है, बहुत बढ़िया। और कुलदीप जी सर, MP पुलिस के लिए कौन सा GK, MP पुलिस आने दो, जरूर इसकी तैयारी करवाएंगे। कुलदीप जी, दीपक जी इन्होंने भी लिखा है कि सोने से पहले आपका वीडियो जरूर, थैंक यू दीपक जी, धन्यवाद। रईस भाई जी इन्होंने भी लिखा है, बहुत बढ़िया अटल टनल। मनोज राय जी है ना, बहुत बढ़िया, डेली GK मनोज जी बिल्कुल। और सुशीला जी चौधरी इन्होंने भी सही बताया है, थैंक यू। नीरज कुमार जी, अटल टनल योजना इन्होंने भी सही बताने का प्रयास किया है। जय सिंह एग्जाम जी हमेशा सही बताते हैं और विस्तृत रूप से लिखते हैं, थैंक यू। और गोरे लाल जी इन्होंने भी सही बताया है। मोहम्मद सलीम खान जी, वेरी गुड। शोभा उपाध्याय जी, थैंक यू। और सत्यम जी इन्होंने भी सही बताया है अटल टनल योजना। और उदय कुमार जी पाल हमेशा सही बताते हैं, उदय जी वेरी गुड। दीपक जी, रईस भाई जी, थैंक यू दीपक जी, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। और नरेंद्र अहरवाल जी, वेरी गुड। नरेंद्र जी, वंदना जी और प्रीत कौर जी, वेरी गुड। MK वर्मा जी और हंगामा बॉयज, संजय मिस्त्री, सुमन कुमारी जी, थैंक यू। देवेंद्र कुमार जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, न्यू दिल्ली से। सत्येंद्र कुमार जी, अटल टनल योजना इन्होंने भी सही बताया है, और हैप्पी माइंड, वेरी गुड। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विस्तृत रूप से बहुत सही बताया है, कुछ लोग विस्तृत रूप से बताते हैं, जय सिंह एग्जाम जी, सुशीला जी और दीपक जी, स्काई जी, कुलदीप जी और चंदन विश्वकर्मा जी, सभी लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और
जो है 1 तारीख से रात्रि 9 बजे आपको हिंदी साहित्य की लाइव क्लास मिलेगी। शाम को 6:30 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपको जीके की लाइव क्लास मिलती है, तो वो ज़रूर देखें। 9 बजे से हिंदी साहित्य की क्लास आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो वो ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।